हेलो फ्रेंड्स, आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ग्रेविटी ऑफ टेल्स में। जैसा कि आप देख पा रहे हैं दोस्तों, आज हम अपने वीडियो में कुछ नया करने जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आज ये हमारा पहला ब्लॉग होने वाला है और आज हम आए हैं दिल्ली के फिरोजशाह कोटला में। तो चलिए दोस्तों, अपने ब्लॉग को शुरू करते हैं। दोस्तों जैसा कि हम देख पा रहे हैं, ये अब खंडर में तब्दील हो चुका है, पर जैसा हम देख पा रहे हैं और समझ पा रहे हैं, ये उस ज़माने में किसी तरह का एक बाज़ार रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए, आप देख पाएंगे तो एक छोटी छोटी से रूम्स बने हुए हैं। या तो ये बाज़ार रहा होगा या फिर जो उस टाइम पे उनकी सेना होती होगी, उनके ठहरने की कुछ जगह होगी यहाँ पे, ताकि कोई बाहर से आक्रमण करे तो उसको रोका जा सके। चलिए देखते हैं अंदर और क्या क्या चीज़ें हैं। ये अब हम एंट्री कर रहे हैं। उस टाइम पे ये भी काफ़ी बड़ा दरवाज़ा रहा होगा किसी जगह का। दोस्तों आज हमने यहाँ पर आके देखा कि यहाँ की बहुत सी जगहें बंद हैं। कोरोना काल के बाद यहाँ की कुछ जगहों को बंद कर दिया गया है और हमने गार्ड से जब पूछा तो उनका कहना ये है कि ये जगह काफ़ी पुरानी हो गई है, जिसकी वजह से गिरने का डर है। 700-800 साल करीब पुरानी ये जगहें हैं, तो हम कुछ जगहों के अंदर एंटर नहीं कर पाए हैं। आजकल की भागदौड़ भरी ज़िंदगी से आप थोड़ा सा समय अगर शांति में बिताना चाहते हैं तो आप इस जगह पर विज़िट कर सकते हैं। दोस्तों ये जगह फैमिली के लिए भी काफ़ी अच्छी जगह है। इस किले का जो निर्माण है वो 1351 से 1354 तक रहा। कहा जाता है तुगलकाबाद में पानी की किल्लतों के कारण फिरोजशाह तुगलक, जो तुगलक वंश का तीसरा शासक था, उसने इस किले का निर्माण करवाया। इस किले के अंदर मस्जिद, बाग बगीचे और महल, दीवान आम, दीवान खास जैसी इमारतें भी शामिल हैं, जो इसके आज सिर्फ खंडर देखने को मिलते हैं। गाइस ये वही महल है जहाँ फिरोजशाह तुगलक रहा करते, और फिरोजशाह तुगलक ने भारत में पहली बार संगमरमर का प्रयोग इसी किले में किया, जिसे तैमूर 1351 में लूट कर ले गया। कहा जाता है जब ये किला बनके तैयार हुआ तो ये किला इतना शानदार था कि यमुना नदी में आने जाने वाले लोग यहाँ पर रुक जाया करते थे। इतिहास के पन्नों में इस किले को खुश्क अंगूर कहा। अभी हम दोस्तों इस किले की मस्जिद को दिखाते हैं। कहते हैं ये दिल्ली की सबसे पुरानी मस्जिदों में से एक मस्जिद है, जिसमें आज भी यहाँ के स्थानीय लोग नमाज पढ़ते हैं। जब हमने इस मस्जिद में प्रवेश किया तो देखा कि यहाँ पर लोग पूजा पाठ कर रहे हैं। मस्जिद ही नहीं बल्कि इस किले में सभी जगह पूजा पाठ होती है। यहाँ के स्थानीय लोगों का कहना ये है कि यहाँ पर जिन्नों का वास है, जो कि अच्छे जिन हैं। इन जिन से जो भी मनोकामना मांगो वो पूरी हो जाती है। इस किले में एक अशोक स्तंभ भी लगा हुआ है, जिसे यहाँ के स्थानीय लोग लाट वाले बाबा के नाम से जानते हैं और कहते हैं ये लाट वाले बाबा सभी जिन्नों पर नियंत्रण रखते हैं। जब दोस्तों आप इस किले में प्रवेश करेंगे तो एक अलग ही खुशबू और किसी के होने का एहसास महसूस करेंगे।